हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पे। दोस्तों यहाँ पर नेट एग्जाम जो होता है उसकी उम्मीदें काफी कम होती जा रही थी। अब यहाँ पर ये यह हुआ है कि दोस्तों जो भी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जर क्वालिफाई करेगा, उसके लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। यस गाइस, अब जारे का अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, उस बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक नया अपडेट है, यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम जो दिसंबर है उसका नया बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना काफी आसान है, बस आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जारिफ का और एसएआरएफ का जो अमाउंट है वो अब इंक्रीज कर दिया गया है 1 जनवरी 2023 से। दोस्तों ये अमाउंट कितना होगा, अगर आप लोग जारिफ क्वालिफाई करते हो तो 37,000 हो जाएगा। पहले 30,000 से 35,000 था, अब ये 37,000 हो जाएगा। वहीं एसआरएफ का दोस्तों पहले 35,000 था, ये 42,000 हो गया है पर मंथ की बात कर रहा हूं। आरए फर्स्ट का 58,000, आरए टू का 61,000, आरए थ्री का 63,000। भाई मतलब एक जॉब से भी ज्यादा। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों जारिफ का अमाउंट आपको कब मिलता है, जब आप पीएचडी करते हो। वहीं अगर आपकी पीएचडी के 3 साल होते हैं और वहीं अगर आपकी पीएचडी सही चलती है फिर आपको एसआरएफ मिलता है 42,000 पर मंथ। तो भाई ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे कुछ खबरी है यहाँ पर जेआरएफ स्टूडेंट के लिए, नेट वाले के लिए। तो भाई दिसंबर एग्जाम में फोकस करो और जेआरएफ लेके आओ, जब आपको मिलेंगे 37,000 पर मंथ। इसका एक पूरा डीप वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।